नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरों की। हाथरस के सादाबाद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का वीडियो हुआ वायरल, जनपद हाथरस। आज महिला एवं बाल कल्याण संगठन राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा राणा, अभी तक कोई न्याय नहीं दिया। धमकी भरी जो कॉल आई थी उसकी भी कोई सूचना नहीं थी। मुझे कोतवाल साहब ने मुझे थाने से बुला लेते हैं। बीते दिन में जो लोग मेरे घर आए थे उनकी भी कोई सूचना अभी तक नहीं मिली। मैंने हाथरस पुलिस से बहुत निवेदन किया, सादाबाद पुलिस महिला को न्याय नहीं दिलवा सकती है। यह हाथरस पुलिस क्या कर रही है? बैठी एक महिला को धमकी भरी कॉल क्राइम ब्रांच का अधिकारी बोलते हैं। हाथरस जिले में महिला के साथ क्यों अन्याय होता है? सब कहते हैं मेडिकल कराया है, मेडिकल कहाँ है? मेरा रेखा राणा बोल रही है, थाने के पीछे ही हमला हुआ, विरोधियों को ना अरेस्ट किया ना उनके खिलाफ मुकदमा लिखा। हाथरस से संवाददाता पवन गुप्ता की रिपोर्ट। महिला बाल कल्याण की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रेखा राणा जी, मैं आप सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, जो धमकी भरी कॉल आई मेरे पे उसका भी मुझे अभी तक कोई डिटेल नहीं मिली। और जो कुछ दिन बीते मेरे घर पे चार लोग आए थे वो भी मुझे नहीं बताया गया, और ना मेरा मेडिकल इंस्पेक्टर साहब ने कराया, झूठ बोल दिया कि मेडिकल हुआ था इनका। मेरे पास में इनका पूरा प्रूफ रखा हुआ है, मेरी गर्दन में चोट आई थी ना इन्होंने वो मेडिकल कराया, सर में चोट आई वो भी नहीं कराया, पैर फ्रैक्चर हुआ नहीं कराया। क्या जी हाथरस पुलिस बैठी बैठी सो रही है? मैं तो ये कहना चाहती हूँ तब मेरे साथ में नहीं इन्होंने न्याय किया तो यहाँ महिला के साथ में क्या न्याय करेंगे? हाथरस पुलिस और सादाबाद पुलिस से बात कर रही हूँ मैं, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया मेरे साथ में, मेरा घर बर्बाद किया आप लोगों ने। हमारे लोकेश भाटिया जी थे, आज उन्हीं की कृपा से मैं यहाँ बैठी हुई हूँ। वो हमारे कोतवाल साहब बहुत अच्छे थे, 2022 में आज उन्हीं की कृपा से यहाँ हूँ।